खजाना दे आरपी दिया सिंह जी, राम राज्य ऐसे कैसे बनेगा? तो राम मंदिर का उद्घाटन करने से राम राज्य थोड़े पहले? बनता है। आरपी सिंह जी बोलिए। ये रावण राज है, ये रावण राज है। ओके अतुल लोंडे जी, आपका अतुल लोंडे जी, एक सज्जन है उनका नाम है रतन कांत शर्मा, उनके यहां से 1,20,000 रुपए नकदी पाई गई है। उनका क्या संबंध है वैभव गलोट से बता जाएगी जरूर जाने से पहले, ये तो मैं बता के जाऊंगा आपको क्या संबंध है उनके वैभव गलोट जी से। तो क्या है कि जब चोरी करते हैं, जब बेईमानी करते हैं, जब भ्रष्टाचार करते हैं, तब नहीं समझ में आता। रावण राज तो था ना वो 10 साल, जब जनता का पैसा लूटा, हजारों करोड़ रुपए जनता का लूटा, अपने घर भरे, वो रावण राज था जब जनता का पैसा लूटा। रावण राज वो था जब कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल कर दिया सोनिया गांधी जी ने, ये कहकर कि राम तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं। मैं अपेक्षा करूंगा, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे शिवसेना वाले, अपेक्षा करूंगा सोनिया गांधी जी अवश्य आएंगी, क्योंकि उन्होंने तो विरोध किया था, उनके लिए अपने पाप धोने का समय आ गया है। मुझे रतनकांत शर्मा, मुझे इनके इनके थे, इन्होंने जो बोला है उसका मुझे जवाब देना है। आप धोने का, अरे रुकिए एक मिनट, तो लोंडे टोका नहीं आपको मैंने, एक बार मुझे जवाब देना है आपको। अरे अरे जवाब दे देना ना दोस्त, आपको मौका देना। आप झूठ बोल रहे हैं ना आरपी भाई, आरपी भाई झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने इतने सारे झूठ बोल रहे हैं, आपने एक बार भी आपने सारा झूठ बोला, मैंने टोका रहे आपने, आपने राम बोल रहे हैं, राहुल गांधी बता दिया आपने, आप झूठ बोल रहे हैं, आप हर व्यक्ति की चिंता देश में। अतुल अतुल लोंडे पाटिल, आरपी सिंह को पूरा करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, एक एक करके वन बाय वन, ऐसे दर्शक समझ नहीं पाएगा। हाँ, आरपी सिंह मिलेगा, खाने की चिंता होगी, आदमी के स्वास्थ्य की चिंता होगी, किसान की चिंता होगी, नौजवान की चिंता होगी, वही राम राज्य है। और आज राम राज्य है, आपके रहते हुए राम राज्य नहीं था जब भ्रष्टाचार हो रहा, कुछ नेताओं के, कुछ सोनिया गांधी जी के जो परिवारजन थे उनके घर भरे जा रहे थे। आपके लिए तो सिर्फ रोम राज्य चलता है, राम राज्य नहीं चलता। आपके लिए रोम राज्य बड़ा है, राम राज्य है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए तो रोम के आके वंदना करना बड़ी बात थी, किसकी बात कर रहे हैं आप? और यही नहीं, कपिल सिब्बल किस पार्टी में थे जब जाकर उन्होंने कागज उड़ा दिए थे पार्लियामेंट में जाकर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, कहा था नहीं नहीं इसका फैसला 2019 के चुनाव के बाद करिए, उससे पहले फैसला नहीं आना चाहिए, अगर ये फैसला हो जाएगा तो चुनाव इस प्रकार हो जाएगा। असल में क्या है कि इनको हर बात चुनाव से जोड़ कर देखनी है, इनको राम के राम पर आस्था नहीं है, इनको सिर्फ जब चुनाव आता है तब मंदिर जाने की सूचती है, जब मंदिर जाने की याद आती है, अन्यथा कभी आपने देखा राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए? मुझे पता कितना सच कितना झूठ है, मुझे पता नहीं। सुब्रमण्यम साहब, स्वामी साहब कहते हैं कि 10 जनपद के अंदर इन्होंने चर्च चर्च की स्थापना कर ली है, मुझे नहीं पता, परंतु आज तक इनमें से कैसी बात कर रहे हैं आप भी, कैसे कैसे बात कर रहे हैं? अरे मानक जी एक मिनट रुकिए ना, आपने कभी देखा है, कभी आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी जी अनाप शनाप आरोप करेंगे? मैं डिबेट में बैठूंगा नहीं। मैंने बिल्कुल अतुल लोंडे पाटिल नहीं, इसीलिए मैंने रोका हूं। नहीं, ऐसे ऐसे आरोप मत करिए आरपी सिंह जी, ऐसे आरोप मत करिए, या तो आप आरोप लगाइए, सबूत दीजिए। मेरा चरण स्वीकार करिए, मेरा चरण स्वीकार करिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए मानक, और मेरे पे इनको बोलिए मुकदमा दाग देंगे। मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए, आपने कभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा जी को कभी आपने चुनाव के अलावा कभी किसी मंदिर में जाते देखा क्या? कभी कभी ऐसा हुआ घर के बगल में मंदिर कभी जाते देखा क्या? बात करते हैं, और ये मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये ऐसा सुरमो ने स्वामी। इस सवाल का जवाब आरपी सिंह जी, इस आरोप का जवाब खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार दिया है। उन्होंने क्या कहा कि हमारे लिए आस्था बहुत निजी विषय है, बहुत निजी है, हम कैमरे लेकर मंदिर में नहीं जाते, सब जगह कैमरे लेकर नहीं जाते। तभी चुनाव के समय मंदिर, आस्था का निजी विषय है तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाकर माथा देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सब करते हैं ना चुनाव के समय। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका जवाब देंगे। आचार्य जी बोलिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्यों नहीं मंदिर जाते, बताइए चुनाव के अलावा? पहले जवाब मुझे, पूरा मौका दिया मेरे को, सुन लीजिए एक बार प्लीज। मुझे इनका जवाब देना। अच्छा अतुल भाई, दूंगा मौका, एक सेकंड रुक जाइए, दूंगा मौका, दे रहा हूं अभी मौका दे रहा हूं। आरपी सिंह जी कंप्लीट करिए जल्दी से, आचार्य जी आ रहा हूं, आरपी सिंह जी जल्दी बोलिए। जब हम लोग हमास की निंदा करते हैं, ये हमास के साथ खड़े दिखते हैं, तो उनको तब ये कहते हैं नहीं, ये भी चुनावी मुद्दा है। जब महिलाओं का रिजर्वेशन होता है तो उनके लिए चुनाव मुद्दा है। भगवान राम लल्ला के दर्शन के लिए कपाट खोलेंगे 22 तारीख को, तो ये भी इनके लिए चुनाव का मुद्दा है। मतलब अफसोस है। ओके अतुल लोंडे पाटिल जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आचार्य जी के पास जा रहा हूं। अतुल भाई क्या कहना चाह रहे थे बोलिए।
आज गहलोत जी ने स्पष्ट रूप से बताया, रतनकांत शर्मा जो टैक्सी का बिजनेस वैभव जी का है उसमें पार्टनर थे, वो पार्टनरशिप छोड़कर चले गए हैं। जिस कंपनी पर एलिगेशंस है उस कंपनी का और वैभव जी का कोई संबंध नहीं है, वो कंपनी उसका जवाब दे रही है, स्पष्ट रूप से कहा है। और मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, उसका वैभव गहलोत जी का कोई संबंध नहीं है। सुनो अभी अभी सुनो अभी सुनो दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात जो सबसे बड़ा करप्ट अदानी जो है, 32,000 करोड़ लेके 32,000 करोड़ की चोरी करके गोद में अदानी बैठा है, उसकी इंक्वायरी करते नहीं, सेबी कहते हैं हमारे पास कुछ सुप्रीम कोर्ट में रखा है। दूसरा 25 लाख करोड़, देखिए बीच में मैंने बीच में नहीं बोला था 25 लाख करोड़ का इन्होंने राइट ऑफ किया है कर्जा, लेकिन गरीबों को कुछ देते हैं तो उनके लिए रेवड़ी हो जाती है। जितने लोगों पे इन्होंने आरोप लगाया, अजीत पवार से लेके भावना गवली से लेके प्रताप सरनाइक से लेके हेमंत बिसाव शर्मा से लेके जितनों पे आरोप किया करप्शन के, जितने यहाँ आकर नवाजा पदों से, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया आरोप करके, ये कमल छाप साबुन जो है, ये ईडी का इस्तेमाल जो है, ये इस्तेमाल है, और ये जो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल है, ये सारे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल जो है वो पूरी दुनिया देख रही है। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, ये सारा मैं जो बता रहा हूँ ये दुनिया के सामने है। और ये जो बोलाट है इसलिए बीच में बोला जा रहा है, ये जो बोलाट है ना इसलिए बीच में बोला जा रहा है। और एक एक साल के बाद मुझे एक बात बताइए, डोटा सारा जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए वो केस एक साल पहले का है, अभी अभी क्यों रेड हुई, एक साल पहले क्यों नहीं हुई? यही डीके शर्मा जी के साथ हुआ, अगर ये लोग आते तो ये लोग मुख्यमंत्री हो जाते। आप क्या, हेमंत बिसाव शर्मा मुख्यमंत्री हो गया, 5 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार पर आरोप करते हैं और अजीत पवार को लेकर खजाना का मंत्री बना देते, वित्त मंत्री बना देते, और आप ईमानदारी की बात करोगे, आप हवा में आरोप करोगे, शर्म नहीं आती है? ओके आरपी सिंह जवाब दीजिए, हर बार झूठ। उसके बाद आ रहा हूं आचार्य जी, आरपी सिंह बोलिए। मानक जी मेरा अतुल लोंडे को चैलेंज है, अतुल लोंडे को चैलेंज है, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ इनके पास एक एविडेंस है कोर्ट में जाए मुकदमा दर्ज करें, अगर इनके पास भिखमंगे हो गए हैं कि पैसे सारे खा गए हैं तो मैं इनको पैसे दूंगा कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए, अगर नहीं जीते तो डबल पैसे लूंगा इनसे। खाम खाम में लोग जाकर झूठे आरोप लगाते हैं बिना बात के, जो असली बात है इनकी जब सरकार थी वहां पर महाराष्ट्र के अंदर दो दो मंत्री इनके जेल में गए, मुझे दो दो मंत्री जेल में गए, ईडी की रेड में 100-100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली होती थी इनकी सरकार में, अतुल लोंडे तब नहीं एक्सेप्ट बोले, एक एक मंत्री 100-100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली करता था इनके यहाँ, भूल गए आप? ओके ऑल राइट, आचार्य प्रमोद कृष्णम को लाइए। ओके।